नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। दीपावली साल में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी को खास करके समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक अमावस्या के दिन हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोग कई दिनों पहले ही घरों की साफ सफाई और सजावट करके दीपावली वाले दिन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसलिए इस पूजा का एक खास नाम भी है, जिसे लक्ष्मी पूजन कहते हैं। हालांकि इस दिन सिर्फ माँ लक्ष्मी की नहीं, श्री गणेश, भगवान नारायण और कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती है। ऐसे में लक्ष्मी पूजन के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा होती है। खास करके दिवाली की शाम को प्रदोष काल के समय लक्ष्मी पूजन करने का खास महत्व है। साफ सुथरे माहौल में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि किस मुहूर्त में पूजा करना और दिए जलाना सही होता है। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में लक्ष्मी पूजन और दीप जलाने का सबसे शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। दीपावली के दिन यानी कि 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को कार्तिक अमावस्या है। अमावस्या की शुरुआत सुबह 6:03 से होगी, जो कि 5 नवंबर को सुबह 2:44 तक रहने वाला है। इस दिन लक्ष्मी पूजन और दीप प्रज्वलित करने का सबसे शुभ समय प्रदोष काल में ही होता है। प्रदोष काल मुहूर्त 4 नवंबर की शाम 5:35 से 8:10 तक रहने वाला है। ऐसे में लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ समय इसी बीच में है। इस बीच शाम 6:10 से लेकर 8:06 तक शुभ घड़ी है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महानिषेध काल भी रहने वाला है। महानिषेध काल की पूजा मध्य रात्रि 12:40 से 2 तक की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि अगर प्रदोष काल में पूजा करने से अगर छूट जाते हैं या किसी वजह से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो 4 नवंबर को कई शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी हैं, जिनमें माँ लक्ष्मी की पूजन की जा सकती है। इसके अनुसार सुबह में शुभ चौघड़िया मुहूर्त 6:35 से लेकर 7:58 तक रहने वाला है। वहीं सुबह में चर, लाभ और अमृत मुहूर्त 10:42 से लेकर दोपहर 2:49 तक रहने वाला है। शाम में शुभ अमृत और चर मुहूर्त 5:34 से लेकर रात के 8:49 तक रहने वाला है। वहीं रात के समय लाभ चौघड़िया मुहूर्त 12:05 मध्य रात्रि से लेकर रात 1:43 तक रहने वाला है। इन शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा सकती है। आपको बताते चले कि विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद दिए जलाने का रिवाज है। घर के हर एक कोने में दिए को जलाना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में ही दिए जलाएं, जो कि शाम 8:10 तक रहने वाला है। तो आप आज के दिन परिवार के साथ और सुरक्षा के साथ खुशियों का यह खास त्योहार दिवाली को खुशी खुशी मनाएं। इसके साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी बिहारी न्यूज के दर्शकों को हैप्पी दिवाली।